हेलो गाइस, दिस इज़ उमा। आज मैं आप सबके साथ ये मेकअप लुक शेयर करूँगी। एक बंगाली गर्ल जैसे मेकअप करते हैं वैसे ही मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, मतलब ओकेशन में कैसे मेकअप करते हैं साड़ी के साथ, वही आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ज़्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्टली वीडियो पर चलते हैं। पहले मैं अपने फेस को अच्छे से प्राइम अप कर लूँगी, तो उसके लिए मैं यहाँ पे लॉरियल रिवाइटलिफ्ट क्रिस्टल माइक्रो एसेंस जो है वो यूज़ कर रही हूँ। फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने फेस पे एम कैफीन का नेकेड डिटॉक्स ग्रीन टी फेस सीरम। ये बहुत ही अच्छा एक सीरम है, मैं इसे नाइट में यूज़ करती हूँ, मेकअप करने से पहले भी यूज़ करती हूँ। जो भी प्रोडक्ट मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ सारी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, चाहे तो वहाँ से आप इसे परचेज़ कर सकते हैं। एज अ प्राइमर मैं यहाँ पे लैक्मे का ब्लर परफेक्ट प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। ये मेरी ऑल टाइम फेवरेट प्राइमर है, बहुत ही अच्छी तरीके से पोर्स ब्लर आउट कर देता है। एंड देन मैं अप्लाई कर रही हूँ अपने लिप्स पे मेबेलिन का बेबी लिप्स जो कि मेरी फेवरेट है। फाउंडेशन मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वेट एंड वाइल्ड का फोटो फोकस फाउंडेशन, शेड है गोल्डन बेज। इसके साथ मैं मिक्स कर रही हूँ गुड वाइब्स का विटामिन सी एंड विटामिन B3 स्किन ग्लो सेरम। फिर मैं ये फाउंडेशन पूरे फेस पे अप्लाई कर लूँगी। और ये जो फाउंडेशन है वेट एंड वाइल्ड का, ये मीडियम टू हाई कवरेज देता है, मैट नहीं है उतना, बट स्टिल ये बहुत ही अच्छा एक फाउंडेशन है जैसा मैंने नोटिस किया है। मैं एज अ कंसीलर यही फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ, अलग से मेरे पास कोई कंसीलर फिलहाल अवेलेबल नहीं है। ये अच्छा कवरेज दे देता, तो एज अ कंसीलर भी ये बहुत ही अच्छा है। ये फाउंडेशन है ना थोड़ा सा थिक है, मैं नहीं बताऊँगी कि ये लाइट है, बट थोड़ा सा थिक है फाउंडेशन, तो इसे ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए मैंने इसके साथ सीरम मिक्स कर दिया है। तो अगर सीरम मिक्स कर देंगे तो ये जब अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा और स्मूथ भी लगेगा फेस, नहीं तो केकी भी लग सकता है। बॉडी के एक्सपोजर एरिया में भी लगाना ज़रूरी है फाउंडेशन। तो फिर मैं अप्लाई कर रही हूँ लूज़ पाउडर जो कि एयर स्पून की लूज़ पाउडर है, मेरी सबसे फेवरेट लूज़ पाउडर है गाइस। मुझे बहुत अच्छा लगता है ये लूज़ पाउडर, या फिर पूरी फेस में भी मैं इसे अप्लाई करती हूँ अंडर आईज से लेके। और ये जो है ना आपकी स्किन को बहुत ही अच्छी तरीके से इवन आउट कर देता है और एक एयर ब्रश एक फिनिश देता है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये एयर स्पून का लूज़ पाउडर। पाउडर की जो टेक्सचर है ना बहुत फाइन पाउडर है गाइस, और इसे बेकिंग तो बहुत ही अच्छा होता है, जैसे कि आप देख रहे हो मेरी आईज़ कैसी लग रही है, अभी पहले कैसा था अभी कैसा है। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ प्लम का काजल स्मोकी आई क्रिएट करने के लिए। इसे अपनी आईलिड पे लगाना है, और इसे जैसे भी तैसे आप लगा सकते हो, ऐसा नहीं कि परफेक्ट कुछ शेप की ज़रूरत है, क्योंकि अल्टीमेटली इसे स्मच करना है तो वैसे भी अब लगा सकते हो। फिर मैं इसे एक ब्रश की मदद से अच्छे से स्मच कर लूँगी, थोड़ा सा टाइम लगता है बट हो जाएगा, थोड़ा सा वक्त देना है इसे। लाइट ब्राउन कलर की शेड मैं ले लूँगी जो कि मैं मेकअप रिवोल्यूशन पैलेट से ले रही हूँ। ये कोई भी पैलेट में ये शेड इजीली अवेलेबल मिल जाएगा, लाइट ब्राउन या रेडिश ब्राउन टाइप ऑफ शेड। इसे मैं अपनी आईज़ के ऊपर जो क्रीज एरिया है वहाँ पे इसे अप्लाई कर लूँगी। और फिर मैं जो अब ब्लैक आई शेडो है सेम पैलेट से, वो ब्लैक आई शेडो मैं अपने आईज़ के ऊपर जहाँ पे मैंने काजल लगाया था वहाँ पे अच्छे से लगा लूँगी। ब्लेंड करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, थोड़ा सा वक्त लगता है लेकिन धीरे धीरे ही इसे ब्लेंड करना है तो ये प्रॉपर लुक आ जाएगा। मैं अपने लैश लाइन पे भी सेम जो रेडिश ब्राउन कलर लिया था क्रीज के लिए वही नीचे अप्लाई कर लूँगी, मतलब लैश लाइन पे अप्लाई कर लूँगी। फ्लॉलेस फोर ऐसा पैलेट है ना रेवोल्यूशन है, जिसमें आपको हाइलाइटर भी मिल जाएगा, कॉन्टोर का भी चीज़ मिल जाएगा, सब कुछ इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे एक शिमरी शेड है ऑफ वाइट का, तो वही मैं आईज़ की इनर कॉर्नर में लगा रही हूँ। मस्कारा मैं यहाँ पे मेबेलिन का वॉल्यूम एक्सप्रेस हाइपर कर्ल मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मुझे लैश लगाना बिल्कुल पसंद नहीं है, फॉल्स लैश, तो इसीलिए मैं यही यूज़ करती हूँ। मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मेबेलिन का ये मस्कारा। मैं आईब्रो ड्रॉ यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, मुझे अजीब लगता है, ज़्यादा आईब्रो ड्रॉ अगर हो जाएगा तो फेस अजीब लगता है, मुझे लगता है, तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। आप चाहते हैं तो आईब्रो ड्रॉ कर सकते हैं।
और मैं अभी फेस को अच्छे से कॉन्ट्रोल कर लूँगी। और कॉन्ट्रोल के लिए मेरे पास जो रेवोल्यूशन का पैलेट है उसी में ही मैं एक ब्राउन शेड ही एज अ कॉन्ट्रोल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे जहाँ पे कॉन्ट्रोल करने की ज़रूरत है वहाँ पे मैं कर रही हूँ, मेरी फोरहेड पे, मेरी जॉ लाइन पे मैं थोड़ा सा कॉन्ट्रोल कर रही हूँ। यहाँ पे नोज़ शेप करने के लिए मैं मेकअप रेवोल्यूशन का सेम जो कलर है जिससे मैंने कॉन्ट्रोल किया है वही यूज़ कर रही हूँ। देन मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। एज अ ब्लश मैं मेकअप रेवोल्यूशन पैलेट से हल्का पिंक कलर यूज़ कर रही हूँ। ये जो फ्लॉलेस 4 पैलेट है मेकअप रेवोल्यूशन का वो बहुत ही यूज़फुल पैलेट है गाइस। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, ब्लश, कॉन्टोर, हाईलाइट, एवरीथिंग मिल जाएगा गाइस। तो एक पैलेट अगर ऐसा आप परचेस कर लेंगे तो आपको आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि आपको आई शेडो अलग से कॉन्टोर अलग से ब्लश खरीदने की ज़रूरत है। फिर मैं ईयर स्पून के लूज़ पाउडर से फिर से अपनी फेस को थोड़ा सा सेट कर लूँगी। और फिर मैं मेकअप फिक्सिंग स्प्रे यहाँ पर जो यूज़ करी वो है प्लम का एक स्पेशल मिस्ट, नथिंग एल्स। एज अ हाइलाइटर मैं यहाँ पे मेबिलिन का मास्टर क्रोम हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत ही अच्छा हाइलाइटर है गाइस। और ये जो शेड है वो है मोल्टन रोज़ गोल्ड है, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। तो जहाँ पे मेरी हाई पॉइंट है तो वहाँ पे मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हो। मेरी फेवरेट हाइलाइटर है ये गाइस। अगर किसी के पास ये नहीं है तो एक होना चाहिए ऐसा हाइलाइटर आपकी मेकअप बॉक्स में गाइस। ब्राउ बोन पे भी मैं हाइलाइटर अप्लाई कर लूँगी। और सबसे जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहूँगी, जब भी आप कोई पाउडरी थिंक अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हो, चाहे वो आई शेडो हो, हाइलाइटर हो, जो भी पाउडरी थिंक यूज़ कर रहे हो, पहले अच्छे से डस्ट ऑफ करना ज़रूरी है गाइज, ठीक है। लिपस्टिक मैं यहाँ पे नायका का मैट टू लास्ट लिक्विड लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ। शेड है माद्रास कापी 05, काफ़ी अच्छा शेड है। आईज़ को मैंने गॉर्जियस रखा है तो इसकी वजह से लिप्स की जो कलर है ना वो मैं न्यूड रखूँगी, इसकी वजह से मैं ये कलर यूज़ कर रही हूँ। ये ब्राउनिश न्यूडिक कलर है, काफ़ी अच्छा कलर है, लाइट वेट है। बस मेरा मेकअप हो गया, अब मैं ड्रेस चेंज कर लेती हूँ। मैंने साड़ी पहन लिया है, बिंदी भी लगा ली है और इयररिंग्स भी मैंने पहन लिया है। तो मेकअप कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मुझसे कोई भूल चूक हो गई हो उसके लिए सॉरी गाइस। वीडियो अगर अच्छा लगा हो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना। नेक्स्ट वीडियो फिर से मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।